अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.6 है, क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है फॉर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1, उन सब के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट इस तरह से है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जस्ट इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लेके आना है। हमारे पास दो फार्मूले होते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप भी उन दोनों फार्मूला से फेमिलियर हैं। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और ये दो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तीन बल्कि प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो इसको कंटिन्यूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो मैं इस तरह लिखता हूँ, ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है जी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे इस पे। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र की जगह यहाँ पे एक्स स्क्र और वाई स्क्र है, तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यस मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को इस तरह लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये उसी तरह और ये भी उसी तरह एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये भी उसी तरह आ जाएगा, इसको भी उसी तरह लिख दिया है। अब हमारे पास एक दूसरा फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, और एक दूसरा फार्मूला होता है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। तो अब पहले इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अरेंज जब इनको करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी इस तरह, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू, यहाँ पे प्लस वाली, जब यहाँ पे प्लस वाला हम यहाँ पे लेंगे इसको, तो इसके साथ माइनस वाली, ये वाली टर्म इसके साथ ये और यहाँ से ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो x प्लस वाई इंटू यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा इसके साथ, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, मीन कि ये वाले प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट को हमने एक जगह पे कर लिया है। अब ये रहती है x माइनस वाई और ये वाला प्रोडक्ट एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, मीन के ये वाली हमारे पास फार्मूला, इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब x माइनस वाई यहाँ से ये वाली x माइनस वाई इन टू यहाँ से ये वाली प्रोडक्ट एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। अब देखें, नोट कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले बन जाएंगे, एक फार्मूला तो ये बन जाएगा, ये फार्मूला कौन सा बनेगा, ये पहले वाला फार्मूला बनेगा ये, और ये जो है ये दूसरे वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ तक एक फार्मूला बन जाता है जो कि हमारे पास बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब इंटू, यहाँ पे ये दूसरा फार्मूला बन जाता है। तो इस फार्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगेन वो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला ए क्यूब माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए की जगह हमारे पास क्या है, एक्स है, तो हम एक्स क्यूब है, तो हम इस तरह लिखते हैं जी एक्स ए क्यूब वो ए स्क्र माइनस हो जाएगा यहाँ पे
बी की जगह हमारे पास वाई है, क्यूब है, तो इसका स्केयर। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली फॉर्म थी उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ए की जगह एक्स क्यूब था और बी की जगह हमारे पास वाई क्यूब था, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जस्ट। तो अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2s एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, ये इसका आंसर आ जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये दो तीन फार्मूले जो है वो तीन फार्मूले यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कुछ यूँ है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे। हमारे पास होता है जी फार्मूला, अभी मैंने डिस्कस किया पीछे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, देखें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फॉर्म के बने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़, और एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 भी एज इट इज़। ठीक है, अगेन वो फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला, देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब कहने का ये है कि ये फॉर्म अगेन हमें गिवन है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इनटू, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एज इट इज। दिस इम्प्लाइज डैट एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इनटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एज इट इज। अब हमारे पास आता है जी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना वहाँ पे, यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, ये थ्रू आउट प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, अगेन ये फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो दिस इम्प्लाइज डेट ये इस तरह हो जाएगा जी, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर मीन ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाता है 4 2s एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट के। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कुछ यूं है, 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तुम्हारे पास फार्मूला होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे अगेन मेंशन किए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वाला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डेट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दो फार्मूले यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नोट कीजिएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट को हम एक जगह पर अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले यहाँ पे, हाँ मैं अरेंज करता हूँ, अब अरेंज कर लेता हूँ जी। अब यहाँ पे मैं अगर उठाता हूँ ये वाला प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मुझे प्लस वाला फार्मूले पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस वाले में यहाँ पे प्लस आता है। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ जी 2x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस है, तो आगे माइनस वाला जो प्रोडक्ट है वो उठाऊंगा। तो इस इन दोनों को मैं एक जगह पे कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी एक जगह पे ही हैं, तो इन दोनों को मैं एक जगह पे ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है जी ए स्क्वायर, तो इसको मैं ए स्क्वायर बनाने के लिए 2x का स्क्वायर लिख दूंगा, मतलब 2 2s 4 हो जाएगा, एक्स पे स्क्वायर है तो होल पे उठा लूँगा इसको, माइनस 2xy जो है इसको मैं उसी तरह ही छोड़ देता हूँ, 2x और y को मैं उसी तरह लिख दिया है, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है,
और इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा जी दूसरा जो दो प्रोडक्ट है हमारे पास वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ से देखें ये माइनस वाला रह गया, तो इसको और ये जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास दूसरा फार्मूला, क्योंकि माइनस वाले फार्मूले में माइनस में इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, देखें इसमें इधर भी प्लस आता है इधर भी प्लस आता है, तो माइनस वाले फार्मूले में इधर भी प्लस आता है और इधर भी प्लस आता है, और माइनस इधर माइनस आ जाता है तो इधर यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट इसका बनेगा जी टू एक्स माइनस वाई इंटू, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लेके आ गए हैं, तो अब हम इसको फार्मूला ये फॉर्म बना, मतलब ये फॉर्म आ गई है हमारे पास, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं। तो ए हमारे पास है जी टू एक्स इसका क्यूब और प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस वाले में प्लस वाला फार्मूला यहाँ प्लस, बी की जगह हमारे पास है जी वाई वाई का क्यूब इन टू, अब यहाँ तक तो क्लियर, इसको इस पे फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी ए, ए की जगह हमारे पास है टू एक्स का क्यूब और बी की जगह यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला होगा, वाई की जगह हमारे पास वाई की जगह वाई है हमारे पास, तो ये वाई का क्यूब आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, तो इसको मज़ीद अगर सिंपलीफाई कर लें तो इस तरह लिख सकते हैं एट एक्स क्यूब, क्योंकि टू का क्यूब लें तो एट आता है, प्लस वाई क्यूब इंटू ये भी आ जाएगा एट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फार्मूला बन गया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म आ गई, तो इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी ए स्क्वायर एट एक्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, दिस इम्प्लाइज दैट एट का स्केयर लें तो 64 आता है, एक्स क्यूब का स्केयर लें तो 3 × 2 = 6 आ जाता है, माइनस वाई की पावर भी 6 आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा इसके थर्ड पार्ट के। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट कुछ यूँ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, ये हमारे पास प्रोडक्ट चार प्रोडक्ट हैं, तो इनफॉर्म कॉन्टीन्यूड प्रोडक्ट इस पे लगाते हैं। तो फार्मूला अगेन हम यूज़ करेंगे, अब जहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ फार्मूला, तो यहाँ पे मैं जस्ट यूज़ करूँगा। तो देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला, दोनों फार्मूले यूज़ होंगे। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट का प्रोडक्ट देखता हूँ तो एक्स माइनस 2 है, तो x माइनस 2 है, तो माइनस वाला जब आपके पास यूज़ करें आप माइनस वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला, तो यहाँ पे माइनस होता है तो दूसरे प्रोडक्ट में प्लस होता है। यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट को हम उठाएंगे, अरेंज कर देंगे, जब x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर, 4 है तो 2 का स्क्वायर, और जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है फार्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्म में, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी x प्लस टू, इधर स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं, x प्लस टू इंटू यहाँ से माइनस वाली जो प्रोडक्ट है उसको उठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब अगेन इस पे फार्मूला जो है वो हमने क्या करना है, क्लोज करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए एक्स क्यूब, क्योंकि ए की जगह हमारे पास एक्स है और बी की जगह हमारे पास टू है,
एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, टू का क्यूब हो जाएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, तो अगेन ए स्केयर, ए हमारे पास एक्स है तो एक्स क्यूब है एक्स का स्केयर माइनस टू का क्यूब जो कि बी है इसका भी स्केयर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब का स्केयर लें तो एक्स की पावर सिक्स, थ्री टू ज़ार सिक्स हो जाएगा माइनस टू की पावर थ्री एट होता है, एट का स्केयर लें तो ये 64 आ जाता है। ये इसका आंसर है इसके फोर्थ पार्ट का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव दो क्वेश्चन रहते हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द अपलोड करूँगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब